फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड करें आप लिंक डिस्क्रिप्शन में। मार्क्स भूल गए, भूल गए लाना। लगता है डर लगता है। मास्क क्यों नहीं लगा? तो लोग घरों पर मास्क लगता है, दुकान लगाए हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क न बोलने में तनी अति होता है, इसीलिए नहीं लगाए। कोरोना को लेकर तीसरी लहर संभावित है और ओमिक्रॉन को लेकर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सड़कों पर निकलने वाले लोग कितने जागरूक हैं कोरोना को लेकर, इसको लेकर अभी हम बेगूसराय के ट्रैफिक चौक के पास हैं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे। ये शहर का मुख्य रास्ता है जहां से शहर के अंदर लोग जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर निकलते हैं। उन्हें कोरोना का कोई खतरा नहीं लग रहा है, जिस वजह से काफ़ी संख्या में लोग बाज़ारों में निकल तो रहे हैं लेकिन वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही है और लोगों से सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क लगाने की अपील भी कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार लोग आ जा रहे हैं लेकिन कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में दुकानें भी हैं, आप दुकानदार को भी देख सकते हैं जो ख़रीदारी करने आ रहे हैं, वो लोग भी बिना मास्क के ही सड़कों पर हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार उन्हें कोरोना से डर क्यों नहीं लग रहा है, वह मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार गाइडलाइन का पालन करने के लिए कर रहे हैं। लोगों से भी बात, मास्क क्यों नहीं लगाए, कोरोना से नहीं डर लग रहा है? मास्क भूल गए, भूल गए लाना। लगता है डर लगता है। तो मास्क क्यों नहीं लगाए? भूल गए। तो लोग घरों पर मास्क लगता है, दुकान लगाए हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क नहीं लगा, बोलने में तनी अति होता है, इसीलिए नहीं लगाए हुए हैं। कोरोना को लेकर सरकार कर रही है लगाने के लिए? वो तो है ये नहीं, लगाने के लिए तो कह रहा है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग अपने सोते हैं लगा के बैठे, मगर नहीं हो सकता, बोलने में मिस्टेक हो जाता है, इसलिए नहीं लगाते। इसलिए डर नहीं लगता है? डर तो लगबे करता है। तो लोगों को कोरोना को लेकर डर लगने की बात कहते हैं लेकिन अधिकतर लोग कोरोना को लेकर मास्क नहीं लगाए हैं। और भी लोग, ऐ सुनिए भाई जी, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? सर अभी डॉक्टर के पास से निकले हैं ना, मास्क जो है वहीं पर लगे हैं। डर नहीं लगता है कोरोना से? जी हाँ, डर बहुत लगता है ना। मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क मैंने लगा रखे थे, अभी जो है ना वही मेरे बच्चे के पास मास्क छूट गया। आप बताइए मास्क क्यों नहीं लगाए? देखिए लोग मास्क नहीं लगाए हैं और पूछने के बाद डर कर भागते भी हैं। अधिकतर लोग बिना मास्क के लगाए हैं। मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? डर नहीं लगता है कोरोना से? हैं, भूल गए लगाने। भूल गए? देखिए मास्क खैर भूल गए, लगा लेते हैं। देखिए अधिकतर लोगों का बहाना है कि मास्क है। देखिए दो लोग आ रहे हैं, मास्क नहीं, कोरोना से डर नहीं लगता है, मास्क नहीं लगाए हैं? जी सर, डर तो लगता है। तो मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क भूल गए घर पे। सब लोग मास्क भूल गए? जी नहीं, सब लोग तो नहीं भूल गए, हम पर्सनल भूल गए। आप बताइए मास्क, युवा हो, डर नहीं लगता है कोरोना से? डर लगता है, लगाएंगे, रखे हैं अंदर में। ओमिक्रॉन का भी खतरा है, सरकार भी कह रही है लगाने के लिए, लगाना चाहिए? लगाएंगे। देखिए सीधा लोगों का कहना है कि अधिकतर लोग बहाना बनाते हैं कि डर तो लगता है लेकिन जो सरकार का गाइडलाइन है कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर खतरा भी है, लेकिन जो अथी है वो इस बात को लेकर बताए किस लिए नहीं लगाते हैं, बताइए? सरकार लोग जो रैली करते हैं उनमें कोरोना नहीं फैलता है क्या? उनको भी ना रैली नहीं करना चाहिए। तो मास्क तो अपने स्वास्थ्य के लिए लगाना है ना जी। तो निश्चित रूप से लोग सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं कि सरकार रैलियां कर रही है लेकिन लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है। तो सवाल ही है कि लोग कोरोना को लेकर सतर्क नहीं हैं बेगूसराय में। खासकर आप तस्वीरों में भी देखें, बेगूसराय में अधिकतर लोग बिना मास्क के सड़कों पर निकल रहे हैं। तो हम लोगों से भी अपील करेंगे बिहार तक के माध्यम से कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाएं, क्योंकि यह खुद की सुरक्षा के लिए है। सौरभ कुमार, बिहार तक, बेगूसराय।